ऋषभ पंत बने एक नई ऑर्गेनाइजेशन, एक नई कंपनी, एक नए ऐप के ब्रांड एम्बेसडर, या यूं कहें नए इन्वेस्टर। तो आखिर कहां पैसा लगाया है ऋषभ पंत ने? ऋषभ पंत एक बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गए हैं, बहुत अच्छे ऐप से जुड़ गए हैं। कौन सा वो ऐप है, चलिए बताते हैं आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का स्पोर्ट्स नेस्ट के इस वीडियो में। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा पांडे। दरअसल ऋषभ पंत का एक्सीडेंट साल 2022 30 दिसंबर को हुआ था। तब से अब तक वो क्रिकेट के मैदान से दूर चल रहे हैं, आए दिन तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं, साथ ही साथ अच्छे अच्छे काम भी करते हैं। कभी HDFC लाइफ इंश्योरेंस के साथ जुड़ जाते हैं और कभी ये जो कंपनी जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसके साथ जुड़ जाता है। दरअसल इस बार ऋषभ पंत ने एक बीड़ा उठाया है। ऋषभ पंत ने एक ब्रांड एम्बेसडर वो बन गए हैं, एक इन्वेस्टर वो बन गए हैं। OZU यानी ओवर जिलियन यूनिट, ये एक कंपनी, एक ऐप है और एक लॉजिस्टिक मार्केट है, ये वर्कप्लेस है जो एक डिलीवरी का काम करती है, ओवरसीज डिलीवरी का काम करती है। उसके इन्वेस्टर और ब्रांड एम्बेसडर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ऋषभ पंत जुड़े, जो उनके फाउंडर हैं, जो OZU के CEO है। उन्होंने कहा है कि ऋषभ पंत को अपनी कंपनी से जोड़ के हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि उनका जो नेवर डाई एटीट्यूड रहता है वो हमको बहुत ज़्यादा प्रभावित, हम उससे हुए हैं। आप जानते हैं ऋषभ पंत क्रिकेट के मैदान में अलग अलग शॉट्स लगाते रहते हैं, गिरते पड़ते हैं, अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स लगाते रहते हैं, खासकर टेस्ट में। उसी चीज़ से प्रभावित जो है वो OZU के फाउंडर हुए हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी जो टेक्निक है, उनका जो इनोवेशन पॉइंट है, उससे हम लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए हैं और इसीलिए हमने ऋषभ पंत को एज अ ब्रांड एम्बेसडर या एज अ इन्वेस्टर अपनी टीम में, अपनी कंपनी में जोड़ा है। अब आप बताइए आपको ये खबर सुन के क्या लगा, और आप बताइए ये भी कि ऋषभ पंत जो आए दिन इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, भले ही वो क्रिकेट नहीं खेल रहे बट आए दिन कभी किसी कंपनी से जुड़ रहे हैं, कभी कोई ऐड कर रहे हैं, आए दिन बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं, ये चीज़ सुनकर आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइए।